ये वॉट्स गायज प्रग्ञान करेंटली सेकंड ईयर है बी बी एस स्टूडेंट ए टाइम्स न्यू डेली एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंप्लीट गेम प्लान टू स्कोर 700 हंड्रेड प्लस मार्क्स इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें लेट स्टार्ट द वीडियो तो यार आई नो कि आप लोगों में से कई की एलेवेंथ ऑलमोस्ट बर्बाद होगी और आपके बहुत सारे लोग होंगे तो चलो पहले बैकलॉग्स के बारे में बात कर लेते कि हाउ शुड वी टैकल द बैकलॉग्स लेट से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में बैकलॉग्स हैं तो आई वुड से दैट यू शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू कम्प्लीटिंग योर फिजिक्स के बैकलॉग्स ऐसा क्यों यार तो ऐसे इसलिए यार क्योंकि जो फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफ्रेंसियन इंटीग्रेशन वैक्टर्स और बेसिक मैकेनिक्स और कैनामेटिक्स इनके जो कंसेप्ट दे आल्सो अप्लाइड इन द ट ट्वेल्थ के चैप्टर्स तो अब की ये बेसिक फिजिक्स क्लियर नहीं है तो आपकी ये ट्वेल्थ के चैप्टर्स ही बैकलॉग बन जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि इट इज़ बेटर टू कम्प्लीट द फिजिक्स के बैकलॉग्स फर्स्ट अच्छा बात आती है कि इन बैकलॉग्स को कम्प्लीट करने के लिए हम टाइम कहाँ से निकालें तो यार सिंपल सी बात है तुमने इलेवंथ में उन टॉपिक्स को इतना टाइम नहीं दिया इसलिए तुम्हारे वो बैकलॉग्स बन गए तो अब तो यार अब तो डेफिनेटली तुम्हें उन टॉपिक्स को टाइम देना ही पड़ेगा टू कवर दोज़ बैकलॉग्स तर तो उसके लिए यार यू कैन डेडिकेट एटलीस्ट वन टू टू आवर पर डे या फिर यू कैन डेडिकेट योर एंटायर सैटरडे या फिर योर एंटायर सनडे वैन आर रिलेटिवली फ्री एंड वन मोर रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड कीप स्टडिंग योर ट्वेल्थ अलॉन्ग विद द कोचिंग यार ऐसा मत करना कि तुम जो ट्वेल्थ के चैप्टर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम उनको पढ़ना ही छोड़ दो अपना सारा टाइम अपने बैकलॉग्स को कवर करने में लगा रहे हो होर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ट्वेल्थ के टॉपिक्स भी बैकलॉग हो जाएंगे तो यार ऐसा बिल्कुल मत करना ठीक है तुमने एक बार गलती कर दी तुम्हारे एलेवन्थ के टॉपिक्स बैकलॉग बन गए तो उस गलती को रिपीट तो मत करो यार एटलीस्ट तुम अपने ट्वेल्थ के टॉपिक्स को तो बैकलॉग मत बनाओ तो ट्वेल्थ को यू शुड कीप ऑन स्टिंग अलॉंग विद योर कोचिंग एंड यू हैव टू मैनेज योर बैकलॉग्स वन टू टू आर पर डे या फिर यू कैन डू इट ऑन द वीकेंड्स अच्छा यार ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अगर तुम्हारे बैकलॉग्स इन टॉपिक में से हैं बेसिक मैथ्स डिफ्रेंशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स मैकेनिक्स कैनामेटिक्स तो यार इन टॉपिक से बैकलॉग को पहले कंप्लीट कर लेना नहीं तो अगर तुम इनको नहीं करोगे तो तुम्हें आगे के फ़िजिक्स के चैप्टर भी समझ नहीं आने वाले सो टू कंप्लीट योर फिज़िक्स बैकलॉग्स यू कैन डिवोट दीज थ्री मंथ्स मार्च अप्रैल एंड मे अच्छा वन मोर थिंग हेयर गाइज अगर फिज़िक्स तुम्हारा बैकलॉग नहीं है दैट इज रियली गुड अगर तुम्हारा केमिस्ट्री या बायो में बैकलॉग है तो इट्स ए कि कम्प्लीट द बैकलॉग ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फर्स्ट क्योंकि यार जैसे जैसे नीट पास आएगा योर एंगजाइटी लेवल्स इंक्रीज एंड उस टाइम पे डिफिकल्ट टॉपिक का बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू एन ईजी टॉपिक तो इट्स ए कि डिफिकल्ट टॉपिक का बैकलॉग अभी कवर कर लो और ईजी टॉपिक के बैकलॉग को एंड के लिए छोड़ दो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी राइट नाउ अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेली शेड्यूल तो यार दिन में अराउंड छः घंटे तो तुम कोचिंग जाओगे तो तुम्हें कोचिंग में अपना ध्यान से सुनना है जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद यार घर आके तुम्हें यू हैव टू रिवाइज द क्लास नोट्स ऑफ द सेम टॉपिक ऑन द सेम डे इट एंड साथ ही साथ यू हैव टू रीड द एन ऑफ द सेम टॉपिक और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम्हें करने हैं ऑफ़ द सेम टॉपिक ऑन द सेम डे इट्सल तो यार कोचिंग से आने के बाद तुम्हें ये तीन चीज़ें तो इंश्योर करनी ही करनी है ताकि तुम्हारे ट्वेल्थ के टॉपिक्स बैकलॉग ना बन जाए एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट वन टू टू आवर्स टू कवर योर इलेवेंथ के बैकलॉग्स या फिर फॉर रिवीजन अगर तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं है एंड डट इज़ रियली गुड अच्छा बात कर लेते हैं मंथ वाइज प्लान की बट यार बिफोर आई टेल यू आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो बट अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में देन यू कैन फॉलो दिस प्लान अदरवाइज यार आई वुड स्ट्रांगली से कि तुम अपना खुद का प्लान बनाओ तो यार मार्च अप्रैल और मई में, में तुम्हें कंप्लीट करने हैं फिजिक्स और ऑर्गेनिक के बैकलॉग्स तो यार फिजिक्स के बैकलॉग्स को पहले कंप्लीट करने का रीज़न मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जो बेसिक फिजिक्स है उसके कंसेप्ट अप्लाइड इन द ट ट्वेल्थ के टॉपिक्स इज वेल तो अगर तुम्हारी बेसिक फिजिक्स क्लियर नहीं है तो तुम्हें ट्वेल्थ के चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे अच्छे से सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर ऑर्गेनिक इज वेल अगर तुम्हारी बेसिक ऑर्गेनिक क्लियर नहीं है तो तुम्हें ट्वेल्थ के टॉपिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल होगा फिर जून जुलाई अगस्त में तुम कंप्लीट करोगे अपने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकलॉग्स देन सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर में यू विल कम्प्लीट योर बायो के बैकलॉग्स बायो, बायो इस लेर क्योंकि बायो इज़ द इजिएट सब्जेक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल तो इसलिए बायो को मैंने एंड में रखा है एंड साथ ही साथ यार यू ऑल्सो द लेफ्ट ओवर बैकलॉग्स जो तुम्हारे यहाँ से लेफ्ट ओवर रह गए हैं वो भी तुम कंप्लीट करोगे इन तीन महीनों में फिर दिसंबर एंड में तुम करोगे अपना पूरे एलेवंथ का रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड स्पेशली द पी वाई क्यूज देन फैब एंड मार्च में तुम करोगे अपना ट्वेल्थ का रिवीज़न क्योंकि यार उस टाइम बोर्ड्स भी आ रहे होंगे तो तुम बोर्ड्स और नीट का रिवीजन साथ में कर पाओगे आराम से क्योंकि यार एन सी आर टनी है फाइनली दोनों चीज़ों के लिए एंड शादी यू विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड स्पेशली अगेन द पी वाइक्यू फिर अप्रैल में यू डू द कम्प्लीट रिवीजन ऑफ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एंड शादी साथ यू विविव अ लॉड ऑफ मॉक टेस्ट यू कैन गिव एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट पर डे या फिर यू कैन ऑलो गिव यरटरनेटिव मॉक टेस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है या फिर तुमने रिवाइज नहीं किए तो आई वड सजेस्ट की यू शूड गिव

तो तुम उन चार घंटे में हंड्रेड परसेंट फोकस के साथ पढ़ रहे हो एंड यू आर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट आउटपुट लेट से तुम आज चार घंटे पढ़ रहे हो एंड यू डिसाइड टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स फ्रॉम फोर टू सिक्स आवर्स बट जब तुम अगले दिन छः घंटे पढ़े तो जो तुम दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़े उस दो घंटे में तुम्हारा ध्यान था ही नहीं पढ़ाई पर एंड यू कुड नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट आउटपुट ऑफ आवर्स तो यार वो दो घंटे पढ़ना बेकार ही हो गया ऑलमोस्ट बिकॉज देर इज़ नो प्रोडक्टिविटी फ्रॉम दोज टू आवर्स तो तुम चार घंटे ही पढ़ो बट दो फोर आवर्स शुड बी क्वालिटी आवर्स फिर यार नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू शुड कीप स्टडिंग अंटिल यू फिनिश योर टारगेट फॉर द डे तो यार बात आती है कि हमें टारगेट सेट कैसे करना है तो लेट से तुम डिसाइड करते हो कि आज मैं पाँच चैप्टर कंप्लीट करूंगा बट बाय द एंड ऑफ द डे यू आर एबल टू कम्प्लीट थ्री चैप्टर्स बट ऑन द नेक्स्ट डे यू आर एबल टू कम्पलीट फाइव चैप्टर्स तो यानी कि ऑन एन एवरेज यू कैन डू फोर चैप्टर्स अ डे तो तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट में लिखने हैं द नंबर ऑफ चैप्टर्स यू कैन डू इन अ डे प्लस वन तो यू विल राइट दैट यू विल डू चैप्टर्स इन अ डे अब हमने प्लस वन क्यों किया सर वो इसलिए किया कि इफ़ यू विल राइट फाइव चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ फोर तो विल फाइंड आउट दैट योर स्पीड हैज इंक्रीज्ड अ लॉट क्योंकि यार यू आर ट्राइंग टू डू दोज फाइव चैप्टर्स इन अ डे बट ठीक है यार अगर तुम चार चैप्टर ही कर पाए तो कोई बात नहीं यू कैन शिफ्ट दैट फिफ्थ चैप्टर टू द नेक्स्ट डे एंड यार नेक्स्ट पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडी आवर्स लेट से तुम आज आठ घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो बट अगले दिन तुम इतना थक गए कि तुमने बिल्कुल सेल्फ स्टडी करी ही नहीं तो इससे बेटर ये होगा कि यू डू फोर आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी एवरी डे कंसिस्टेंटली देखो यार स्पेसिफिकली बायो के लिए व्हाट यू शुड डेफिनेटली डू इज दैट यू शुड सेट ए डेली टारगेट कि आज मैं बायो एन के पंद्रह पेज पढ़ूंगा वर्ड बाय वर्ड और साथ ही साथ उन पेजेस की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा सो दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन डू फ्रॉम द नीट एसेंशियल ऐप तो गूगल प्ले स्टोर पर यू कैन सर्च फॉर नीट एसेंशियल ऐप एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड एनरोल इन द एनसीआर अभ्यास बैच तो so यार तुमने जितने भी पेजेस पढ़े फ्रॉम द बायो एन चाहे से वो न्यू एन सी हो या फिर ओल्ड एन सी हो ऑल द वुड सजेस्ट कि तुम न्यू एनसीआर टी से पढ़ो तो यार तुम उस चैप्टर से यूजिंग द पेज वाइज फिल्टर यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्राम दिस एप लेट से आपने पेज ट्वेंटी टू से लेकर पेज ट्वेंटी सिक्स पढ़ा ऑफ द बायो एन सी आर टी एंड आप स्पेसिफिकली इन्हीं पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन इजिली डू दिस यूजिंग द पेज वाइज फिल्टर वाला फीचर इन दिस ऐप जब तुम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो तुम देख पाओगे कि उसमें हर एक ऑप्शन को कितने परसेंट लोगों ने मार्क किया है और कितने परसेंट लोगों का वो क्वेश्चन सही हुआ है ऑल्सो यार ये वाला जो क्वेश्चन है दिस केम इन नीड टू थाउजेंड ट्वेल्व तो यार तुम साथ इंपॉर्टेंटें पी वाई की उसको भी रिवाइज कर पाओगे वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऐप ऑल्सो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफिकल्ट है एंड यू वॉन्ट टू रिविज़िट विजट आफ्टरवर्ड्स तो उन क्वेश्चन को आप बुक मार्क भी कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के लिए डिटेल्ड वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन गिवन है जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एन लाइन से यू कैन गेट टू नो कि ये जो क्वेश्चन है एन सीआरआर टी कौन सी एक्जैक्ट लाइन से बना है सो यू कैन गो एंड रेफर टू द सेम लाइन ऑफ एन और उसको आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन ऑल्सो इस ऐप का एक और बढ़िया फीचर इज द पी वाई क्यू मार्क एन तो पिछले 25 साल में जितने भी पी वाई क्यूज आए हैं फ्रॉम नीट ए आई पी एम टी एम्स वो जिन भी एन सी टी लाइन्स आए हैं उन सी आर टी लाइन्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है आपके लिए इन दिस ऐप तो आप उस हाईलाइटेड एन टी लाइन को क्लिक करके उस लाइन से जितने भी पी वाई के यूज बने आप उन सबको एक साथ प्रैक्टिस कर पाओगे और हर क्वेश्चन के लिए डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी गिवन है एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उस स्पेसिफिक लाइन को अपनी एनसीआर टी में हाईलाइट कर सकते हो ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करो और अगर इन द फ्यूचर उस सेम लाइन से फिर से क्वेश्चन बनेगा तो आपका वो गलत नहीं होगा एंड जिन हाईलाइटेड एन सी आर से ऑलरेडी पी वाई क्यूज फॉर्म हो गए हैं तो एक बार आप उनके ऊपर नीचे वाली लाइन्स भी देख लो क्योंकि देर अ हाई चांस कि इन द फ्यूचर उन लाइन से भी क्वेश्चन बन जाए ऑल्सो यार अभी इन द लिमिटेड टाइम ऑफर द पी वाई क्यू मार्क् एन सी आर टी इज बींग ऑफर्ड कॉम्प्लीमेंट्री विद एन सी आर टी अभ्यास बैच तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट पूरा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक का सब्सक्रिप्शन यू कैन बाय जस्ट फॉर रुपीज थ्री ट्रिपल लाइन एंड ऑलो द थ्री डे रिफंड पॉलिसी अगर आपको ऐप अच्छा नहीं लगा सो यू कैन ऑल्सो गेट योर रिफंड बैक सो आईल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन यू शुड गो चेक इट आउट फिर यार नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन वर्सज ऑफलाइन विच मोड ऑफ प्रिपरेशन यू शुड प्रेफर तो यार दोनों ही मोड्स के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं यू कैन चूज ऑनलाइन इन द केस अगर तुम खुद से ही सेल्फ डिसिप्लेंड हो और सेल्फ मोटिवेटेड हो क्योंकि यार ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन इज लुकिंग कि तुम पढ़ रहे हो या फिर नहीं क्योंकि लेट से तुम्हारी क्लास चल रही है लैपटॉप पे तो टीचर को क्या ही पता है कि यू आर लिसनिंग टू द क्लास और नॉट ऑल दो इट इज़ रियली बैड अगर तुम क्लास को नहीं सुन रहे हो तो यार ऑनलाइन का ये कौन है बट एट द सेम टाइम इफ़ यू चूज ऑनलाइन यू कैन सेव ल लॉट ऑफ टाइम जैसे ट्रैवल का टाइम तुम बचा सकते हो एंड ऑफलाइन यू कैन चूज इन द केस अगर तुम खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो एंड यू नीड समन टू लुक एट यू टू इन्श्योर देट यू आर स्टडिंग ऑल्सो आर यू कैन हैव अकेडमिक डिस्कशन विद योर पीयर्स इन ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग ऑल्सो आर ऑफ लाइन यू कैन चूज फॉर द सेक ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ ओवरऑल फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड बी मेक अ टाइम टेबल और नॉट तो आई वुड से इंस्टेड ऑफ अ टाइम टेबल यू शूड रैदर मेक अ टू डू लिस्ट क्योंकि यार तुम एक रॉबोट नहीं हो कि अगर तुमने अपने टाइम टेबल में लिखा कि यूर वेकअप एट एम तो तुम डॉट आठ बजे उठ गए या फिर तुमने लिखा कि मैं नौ से दस बायो पढ़ूंगा तो तुमने एक्जैक्ट दस बजे अपनी बायो का जो टॉपिक पढ़ रहे हो तुमने खत्म भी कर दिया तो यार आई वुड से कि वेस्टेट ऑफ अ टाइम टेबल यू शुड मेक अ टू डू लिस्ट जिसमें यू विल राइट द टारगेट चैप्टर्स इन अ डे कि तुम आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिए कि तुम उसे इस हिसाब से लिखोगे फिर यार नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज दैट हाउ टू अप्रोच अ गिवन चैप्टर तो यार फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लिसन केयरफुली इन द लेक्चर जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहे हैं एंड अलॉग विद दैट यू हैव टू मेक क्लास नोट्स तो यू क्लास नोट्स बनाने के दो फायदे हैं यू कैन यूज़ देम फॉर डिवीजन आफ्टरवर्ड्स एंड ऑल्सो आर मेकिंग क्लास नोट्स हेल्प्स यू टू स्टे अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर फिर यार क्लास नोट्स बनाने के बाद यू विल कम होम यू विल रीड द एन सी आर टी ऑफ द सेम टॉपिक जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया है देन यू विल रिवाइज द नोट्स उसी दिन के एंड देन यू विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली द पी वाई क्यूज और तुम टेस्ट दोगे उसी टॉपिक के उसके बाद जो भी तुम्हारी टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं यू विल करेक्ट दोज मिस्टेक्स एंड यू विल अगेन गो बैक एंड रिवाइज योर एन सी आर टी एंड योर नोट्स तो so, यार ये जो स्टेप्स हैं दिज अप्लाई फॉर मेनली बायो एंड केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए यार ये जो ये वाला पॉइंट है रीड द एन ये तुम थोड़ा एंड में भी रख सकते हो क्योंकि अनलेस फिजिक्स में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तुम्हें एन उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी तो यार तुम्हें पहले फिजिक्स के लिए यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन योर क्लास नोट्स उसके बाद यू हैव टू रीड योर एन टू अंडरस्टैंड एन बेटर फाइनली यार आई वुड लाइक टू से दैट द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम तो यार अभी अच्छे से मेहनत कर लो अभी अपने सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लो आई नो इट इज़ हार्ड बट यार अगर तुम आज अच्छे से मेहनत कर लोगे दैन द फ्यूचर आफ्टर नीट यू विल फाइंड योर सेल्फ इन योर ड्रीम कॉलेज सो यार दैस इट फॉर दीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब साइनिंग ऑफ ब बाय